मैं जो कैंपर बनाया हूँ वो मेनली मैं एज़ यू कैन सी मारुति इको वैन पे बनाया हूँ, विच इज़ नॉट ओनली इकोनॉमिकल बट ऑल्सो इट्स ईजी टू कन्वर्टिंग टू कैंपर। और क्योंकि मैं जस्ट स्टार्ट किया हूँ तो इसलिए सोचा कि दिस शुड बी द राइट व्हीकल फॉर मी इन द बिगिनिंग एटलीस्ट। तो ये रहा मेरा कैंपर वैन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दिस इज माई बेड, यहाँ पे मैं रात को सोता हूँ। अगर बैठना भी है दिन में भी बहुत आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। और हाइट को ऐसे ही मैं बनाया हूँ ताकि रूफ को ना लगे, आराम से बैठ सकते हैं। और इस तरफ एक बॉक्स बनाया हूँ, और जो भी मैं बनाया हूँ पूरा खुद से ही बनाया हूँ। आई नो बहुत सारा अभी सामान है क्योंकि मैं आज निकला, कल एक्चुअली एक नज़दीक में जगह है हैदराबाद से करीब 100 किलोमीटर ज़हीराबाद बोल के, वहाँ पे मैं आया हूँ। जो सेटअप है ये मेरा एक UPS है जो कि बहुत ही काम आता है। और ये मेरा पानी के लिए स्टोर करने के लिए यूज़ करता हूँ, इसी में मोटर है। इवन वो एक बहुत ही ईजी हो जाता है, मैं दिखाता हूँ आपको। काफ़ी प्रेशर भी रहता है, ये भी स्प्रे कर रहा है। इवन चाहे तो आप इसका नोजल ये घुमा के इसको पॉइंटेड एकदम ये भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी काफ़ी ठंड है यहाँ पे, क्लाइमेट बहुत ही मस्त है, उसीलिए फैन ये सब का ज़रूरत नहीं है। हालांकि मेरे यहाँ पे आप अंदर देख सकते हो, इधर पे एक में पंखा लगा के रखा हूँ, इधर मेरा एक हाई स्पीड बड़ा वाला पंखा है, ये बीच में मेरा एक पंखा है। तो और सामने का मैं खाली रखा हूँ 2 पैसेंजर बैठने के लिए। आइए मैं पीछे से दिखाता हूँ। सो पीछे से जैसे अगर मान लीजिए मेरे को कुकिंग करना है तो इसको ड्रायर को ओपन करता हूँ, इसमें अभी काफ़ी मेरा सामान है और ना ऑयल वॉयल सब भी है, इवन मैगी वगैरह सब है, तो आराम से बना सकते। गैस की मैं इधर पोर्टेबल वाला जो गैस है वही रखता हूँ। इधर का व्यू, और ये पानी पीने के लिए ये स्टोरेज है मेरा पीने का पानी के लिए, ये बहुत ही अच्छा है, ये भी अमेज़न से लिया हूँ। और अगर मुझे काम करना है द बेस्ट पार्ट, ये मैं टेबल एक सेटअप कर लिया हूँ, इसको आप घुमा लीजिए, घुमा के इसको फिर टिल्ट रोटेट सब कुछ कर सकते हैं ऐसा। सो दिस इज द सेटअप। मेरा
का सेटअप है। दिस इज द फैन। इसका स्पीड काफी अच्छा स्पीड है। कल रात को इनफैक्ट ठंडी लग रहा था। अल्टीमेटली सब बंद करना पड़ा। और जो भी आप देख रहे हैं ये मैं खुद अपने हाथों से बनाया हूँ। कोई कारपेंटर वगैरह इनका कुछ भी नो हेल्प नहीं लिया, सब अपने आप खुद से बनाया हूँ। हाँ, काफ़ी चीज़ें मैं आइकिया से ख़रीदा हूँ, जैसा ये वाइट बॉक्स आप देख रहे हो जिसके पीछे ये बोर्ड लगा हुआ है, स्विच बोर्ड। और इवन आप ऊपर देख रहे हो मेरा सोलार है। और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्विच लगा के रखा हूँ, जब ज़रूरत पड़ता है। लेट मी शो यू। और यहाँ पे एक टेंट है, टॉयलेट टेंट। और इस तरफ आपका बड़ा वाला जो ऑनिंग और टेंट, वो टेंट का जो पूरा सराउंडिंग कवर्ड एरिया ये वाला पैकेट में है। अच्छा, जैसे कि मैं बोल रहा था सोलार का, यहाँ पे मैं सोलार कंट्रोलर लगाया हुआ हूँ। इस तरह की है, तो अभी देखिए ये ज़ीरो पोजीशन में है। ओके, दैट मीन्स इट इज़ स्विच ऑफ। ये दो मैं एक्चुअली इस तरफ भी एक लगाने का प्लान है मेरा ये साइड को, तो इसीलिए मैं दो पॉइंट बना के रखा हूँ। कैसे मैं इसको यूज़ करता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, ये वाला सोलर कंट्रोलर को मैं कनेक्ट नहीं किया हूँ। इसको अगर मैं कनेक्ट कर दिया तो फिर दोनों यूज़ कर पाऊँगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका कनेक्शन देखिए, ये ऊपर से एक ये वाला जो कनेक्शन है ये अंदर से जाके उधर से बाहर, मतलब उधर से जाके फिर इधर ये वाला बाहर निकला है। तो ये देखिए ये वायर आया है। ये मेरा खुद का बना हुआ एक इसमें रीडिंग दिखा रहा है। हाँ, अभी मैं इसको ऑन करने वाला हूँ। देखिए ये अभी बैटरी में ही चल रहा है। ओके, सोलार में कनेक्टेड नहीं है। ओके, मैं यहाँ से इसको कैसे ऑन करूंगा, ये चलना चाहिए। ये देखिए सोलर का आ गया और ये चार्ज होने लग गया। तो जैसे मैं बोल रहा था, इसको पोजीशन टू में अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे और एक कनेक्शन दे के रखा हूँ जो कि ऐसा आ रहा है। आने के बाद यहाँ पे मैं इसका पॉइंट बना के रखा हूँ और ये अभी चार्ज हो रहा है। ओके, और अगर इसको चलाना है तो जीरो में आके फिर वन में कनेक्ट करूँगा तो वो फिर चार्ज करना चालू कर देगा। अंदर यहाँ पे एक रिंग लाइट में लगा दिया हूँ क्योंकि इसका फ्लो बहुत अच्छा रहता है। और मतलब एक ही एरिया में नहीं लाइट फोकस होता है, इसका थ्रो बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए मैं इसको सेंटर पोजीशन में पूरा ऐसा फिट कर दिया। और वायरिंग को सब ये केसिंग के थ्रू कर दिया है। और भी मुझे वायरिंग का थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा, जैसे ये जो सोलार का वायर है इसको फिक्स करूँगा। और म्यूज़िक के लिए मैं यहाँ पे अपना जो
एक पुराना 2.1 स्पीकर था, उसी को इंस्टॉल कर दिया। एक एन उसको भी मैं कैसे ये करता हूँ, इसमें ये जो आप देख रहे हो पॉइंट नेगेटिव पॉजिटिव, इसको यहाँ स्विच ऑन करके इसमें लगा देता हूँ और आराम से विदाउट स्विचिंग ऑन द कार आई कैन प्ले द म्यूजिक। और क्या रहा, और कुछ छूट गया क्या? और हाँ, ये लैडर मैं हमेशा कैरी करता हूँ ताकि ऊपर चढ़ के अगर मुझे ये टेंट फिक्स करना है तो बहुत इजी रहता है। और यहाँ पे ऊपर एक कैरियर भी लगा हुआ है जिसके साथ मैं पार्किंग कर दिया हूँ। सोलर पैनल है, 100 वॉट का, जो कि मोर देन इनफ सफिशियंट। अभी तक जितना भी मैं किया हूँ कैंपिंग इधर उधर छोटा, अभी तक कुछ लंबा ऐसा लॉन्ग पे यहाँ से बैंगलोर गया नॉट मोर देन दैट, उसमें ये काफ़ी यूजफुल रहा। और ये टॉयलेट वाला टेंट है, लेकिन दिस टॉयलेट टेंट इज ऑल्सो यू नो आई परचेज फ्रॉम एडवेंचर हट। निशा जी से बहुत ही हेल्पफुल है, जो भी क्वेरीज था उनको पूछा। एंड दिस इज माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर ये हेल्पफुल लगा वीडियो तो जरूर बताइए। बस बाकी इनसाइड में तो और कुछ दिखाने के लिए कुछ खास और है नहीं। अगर आपको कुछ क्वेरीज है, कुछ जानना है, Definitely you can always comment and reach out to me. हाँ, और एक चीज़ में जो मिस कर गया हूँ, कर्टेंस ऐसे ही फॉर द टाइमिंग अभी मतलब इस हिसाब से मैं करके रखा हूँ, इसको और बेटर तरीके से लगाऊँगा क्योंकि रात को जब सोते हैं इट्स ऑलवेज गुड टू पुट द कर्टेंस एंड स्लीप इनसाइड, अदरवाइज नहीं तो आपको मालूम ही है लोग देखते रहते हैं एंड इवन इन द नाइट वन माइट गेट स्केयर्ड ऑल्सो व्हेवर इज स्लीपिंग इनसाइड सडनली इफ यू सी समवन आउटसाइड। सो या दैट्स ऑल, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया 14 मिनट्स का। और क्या, और हाँ, यहाँ पे एक में ये मल्टी सिगरेट पुट वाला यू नो कनेक्टर में लगा के रखा हूँ जो कि बहुत ही यूजफुल है। अगेन सो ऑन बेसिस ऑफ नीड आई यूज इट। इसमें 3 सिगरेट लाइटर का पोर्ट है विच इज़ 12 वोल्ट वन सेकेंड। सो करेंटली इसमें मैं ये डैश कैम चलाता हूँ और अगर मोबाइल चार्ज करना है ऑन द गो देन आई यूज़ इट, अदरवाइज जैसे कि मेरे पास ऑलवेज ये अवेलेबल रहता ही है। तो और हाँ, आपको और थोड़ा डिटेल्स में इसको दिखा देते हैं। इसमें देखिए, ये इसमें 2 USB पोर्ट है, एक क्विक चार्जिंग पोर्ट और फिर इधर भी एक सीक्रेट लाइटर फुट लगा दिया हूँ।
और ये स्टैनली का बॉक्स में डब्बा में मैं यूज़ किया हूँ। एंड इसको मैं कैसे किया, देखिए अंदर लूम सोलर का दो बैटरी है, 12 वोल्ट बैटरी, जिसको मैं कनेक्ट किया हूँ। इसमें इन्वर्टर भी एक है, विच इज अगेन 200 वॉट का है। आई हैव वन मोर इन्वर्टर, आगे से इसका 3 पिन इसी पावर चाहिए था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं भी चार्ज हो रहा है, मस्त बढ़िया। ओके गाइस, दैट्स इट। जैसे मैं बोला, अगर कुछ आपको क्वेरीज है, इफ यू वांट टू नो एनीथिंग, डू कमेंट प्लीज, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप प्यार दिखाएंगे तो तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा इस चैनल को लेके, और काफ़ी काफ़ी कुछ करना है, बहुत सारा ट्रैवलिंग करना है। जस्ट मैं स्टार्ट किया हूँ, उसी लिए नो इतना आइडिया नहीं है कैसे वीडियो बनाना है। सो इसमें मैं काफ़ी सारा सीख रहा हूँ, तो धीरे धीरे डेफिनेटली ये और बेहतर होगा और इम्प्रूवमेंट आएगा। Thank you.